हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे शकरपारे। एक बार बनाएंगे, महीनों खाएंगे, एकदम खस्ता क्रिस्पी शकरपारे हलवाई वाले तरीके से। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें रखेंगे छलनी और इसमें 1/2 kg हम मैदा डालेंगे और इसको चाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसका एक डो तैयार कर लिए हैं, ज़्यादा मुलायम नहीं करेंगे, थोड़ा टाइट ही रखेंगे। अब हम बड़े साइज़ का लोई बना लेंगे और इसको बेल लेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे। इस तरीके से बेल लेंगे। अब नाइफ की मदद से इसको कट कर लेंगे। अब हम साइड से भी कट कर लेंगे और शक्करपारे का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। हल्का ऑयल जब गरम हो जाए तब हम जो कट करके रखे थे वो सब इसमें डाल लेंगे धीरे धीरे करके। अब हम इन सबको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, तभी हमारा जो शक्करपारा है वो खस्ता बनेगा और एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा से कलर आ रहा है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे और ये फ्राई हो चुका है। चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास हम पानी डाले हैं तो इसमें हम 3 कप शुगर डालेंगे। इलायची का हम छिलका डाल देंगे इसमें और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इन सबको बॉईल कर लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे और चाशनी हमारा जो है गाढ़ा हो जाएगा। देखिए हमारा चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें जो फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी। जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक के लिए हम इसको इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ठंडा हो जाने के बाद हमारा शक्करपारा इस तरीके से हो जाएगा और ये बनकर तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।